Hello student, welcome to you all. Student, today we are going to learn our new point, not a new point, actually we have started the new lesson. It's okay, we have started the new fresh lesson and very interesting lesson we have learned here. That is a periodic classification of the element. चलिए तो actually अभी element को लेकर हम यहाँ पे अभी पढ़ाई करने वाले लर्न करने वाले तो देखिए बेटा एक्चुअली हमने सेवेंथ में एट्थ में नाइन्थ स्टैंडर्ड में एलिमेंट्स को लेकर हमने पढ़ा था उसके क्लासिफिकेशन भी हमने लर्न किए थे तो एक्चुअली अभी उसको हम थोड़े से डेप्थ में यहाँ पे अभी लर्न करेंगे एक्चुअली उनके जो क्लासिफिकेशन एज वेल एज देखिए बेटा उनका जो साइंटिफिक स्टडी और जो जैसे कि एक सही तरीका एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए एक किस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं उसे फॉलो करते हैं ठीक है बेटा इसी को लेकर यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और देखिए बेटा अकॉर्डिंग टू द एग्जाम व्यू यहाँ पे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखिए बेटा ये जो लेसन हम लर्न करने जा रहे हैं यस इस कैरी द सिक्स मार्क्स के लिए यहाँ पे हमें लेसन को लर्न करना है वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली सो लेट अस यू स्टार्ट अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट देखिए इससे पहले हमने जो पहला वाला जो चैप्टर लर्न किया था ग्रेविटेशन देखिए बेटा वी हैव कंप्लीटेड इट एक्चुअली वहां पे हमने लेसन को भी पूरा कर दिया है और उसके एक्सरसाइज को भी वहां पे हमने डिटेक किया है पूरी तरह से वहां पे मैंने उसके उसको एक्सरसाइज को लेकर वहां पे तुम्हें जैसे एक्सप्लेनेशन वहां पे दिया है तो देखिए बेटा केवल अभी अपना यहाँ पे जैसे कि कितना तुम उसके ऊपर जैसे फोकस करते हो कितना वहां पे हमें ध्यान देते हो इसके ऊपर वो निर्भर है अभी हमें तो उसके ऊपर थोड़ा सा हार्ड वर्क करना चाहिए ठीक है जैसे कि न्यूमेरिकल को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे हमें मेहनत करनी होगी चलिए अभी देखिए हम अभी अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर आते हैं सो लेट अस स्टार्ट हियर तो देखिए बेटा यहाँ पे हम कुछ स्लाइड को रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पे यस आई हैव शोन सम स्लाइड हियर अभी देखिए इस स्लाइड प्रेजेंटेशन को लेकर अभी हम ये चैप्टर लर्न करेंगे देखिए बेटा अपने चैप्टर का नेम यहाँ पे है दैट इज अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एक्चुअली देखिए बेटा व्हाट इज द पीरियोडिक ठीक है तो पीरियोडिक इज नथिंग बट क्या बेटा जैसे हमने देखिए बेटा ग्रेविटेशन लर्न किया था तो वहां पे भी हमें पीरियड को लेकर जैसे जैसे प्लैनेटरी रोटेशंस लर्न किए थे है ना बेटा जैसे हमने केपलर्स ने जो लॉ दिए थे जैसे कि प्लैनेट के पोजीशन को लेकर उसके रोटेशंस को लेकर तो एक्चुअली जैसे प्लैनेट रोटेट होते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन दैट टाइम जस्ट दे कंप्लीट देयर रोटेशन जस्ट ओके इन सर्कुलर पाथ इन दैट पर्टिकुलर एलिप्स में यहाँ पे रोटेशन पूरे कर लेते हैं और जैसे दैट्स वन कंप्लीट रोटेशन इसको क्या बोला जाता है बेटा पीरियड और इट्स कंटिन्यू रोटेशन इसमें भी गो ऑन कंटिन्यू वो कैसे क्रिया होती है बेटा चलती ही रहती है मींस दैट्स वन है देखिए बेटा पीरियोडिक दिस इट इज वन है फिनोमिनन ऑफ नेचर है ना बेटा एक्चुअली हमें नेचर में फिनोमिनन दिखाई देता है एक बदल रूप में दिखाते हैं जो कि वो हमें कंटिन्यू होते रहता है जैसे कि पीरियोडिक जैसे यहाँ पे कंटिन्यूशन रोटेशंस वहाँ पे परफॉर्म होते हैं इसी को बोला जाता है बेटा पीरियोडिक तो देखिए बेटा आवर्ती बोल सकते हैं इसको मराठी में चलिए तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन तो मतलब ही मालूम ही है दैट्स वर्गीकरण इन शुद्ध मराठी है ना बेटा क्लासिफिकेशन किसका यहाँ पे करना है हमें एलिमेंट्स का तो देखिए बेटा यहाँ पे जैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी को लेकर हमें यहाँ पे देखिए बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टी को लेकर यहाँ पे हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना है कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स को लेकर ठीक है बेटा क्योंकि जैसे हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो कुछ टर्म्स को हम यहाँ पे पहले जैसे कि फॉलो करते हैं तो देखिए हम अभी स्टार्ट करते हैं एक्चुअली इस चैप्टर में हमें क्या लर्न करने के लिए मिलता है तो देखिए बेटा स्टूडेंट तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोकस करेंगे कि अपना जो आज का यूनिट यहाँ पे देखिए बेटा एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन ध्यान दीजिए बेटा मैं यहाँ पे अभी मार्कर लूंगा जैसे देखिए इस मार्कर को लेकर देखिए बेटा अभी ये पॉइंट हम यहाँ पे पढ़ना है दिस इज टुडेज यूनिट ऑफ दिस लेसन टुडेज यूनिट ऑफ दिस लेसन दैट इज एलिमेंट एंड देयर क्लासिफिकेशन तो एक्चुअली ये एलिमेंट क्या होते हैं
ध्यान दीजिए बेटा, तो एलिमेंट एक क्या होते हैं एलिमेंट्स, तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट क्या होता है बेटा, एक प्योर सब्सटेंस होता है कि जो उसमें केवल हमें एक ही एक एटम, केवल एक ही एक एटम होता है, वन काइंड ऑफ एटम। उसमें जैसे कि दूसरे एटम्स वहां पे इंक्लूड नहीं होते, ओनली वन वन काइंड ऑफ एटम, दैट्स प्योर एटम। ठीक है बेटा, और प्योर सब्सटेंस जैसे प्योर एटम्स, एटम से बना वाले प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है बेटा, तो अभी देखिए जो एलिमेंट्स में कंस्टिट्यूटिंग प्योर सब्सटेंस इज हैविंग ओनली वन सिंगल एटम, हैविंग ओनली वन एटम। ठीक है बेटा, अभी ये जो एटम होता है और उस एटम में देखिए बेटा सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन, सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन। देखिए बेटा, हमें जैसे कि हमने एट क्लास में स्ट्रक्चर, जैसे एटम का स्ट्रक्चर लर्न किया था, तो उस एटम के स्ट्रक्चर में हमने देखिए बेटा अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, जैसे कि वहां पे हमने सर जे थॉमसन को लर्न किया था। आगे चल के मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फिर जैसे कि लॉर्ड रदरफोर्ड को हमने पढ़ा था, क्योंकि उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर यहाँ पे एक्सप्लेन किया था, जैसे कि कुछ ऐसे प्रिडिक्शन एटम ऐसा हो सकता है ऐसे उन्होंने बताया था। ठीक है बेटा, तो एक्चुअली वो हमने एट में लर्न किया था, एट क्लास में। इसके बाद देखिए बेटा, जैसे कि नील बोहर ने भी उसको एक्सप्लेन किया था एटम को लेकर, तो इनके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड में भी हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, डिटेल देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बेटा, जैसे एग्जाम व्यू को लेकर जैसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे हमें पूछे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पे चैप्टर लर्न करते तो जैसे उनका जो यहाँ पे जैसे एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम है, या कभी कभी जैसे कि लॉर्ड रदरफोर्ड है या सर जे थॉमसन है या जैसे कि यहाँ पे अभी नील बोहर है, तो इनको लेकर देखिए बेटा एक्चुअली आपने बुक में जैसे हम चैप्टर रीड करते तो वहां पे उनका कहाँ भी रेफरेंस नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन उसको आधार बनाते हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, मैं इसको भी डिटेक करूंगा जैसे नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए, तो एलिमेंट्स पता चला, तो एलिमेंट को हम अलग तरीके से देखिए बेटा, उसकी डेफिनेशन हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे कि एलिमेंट इज अ दो सब्सटेंसेस, देखिए बेटा दो सब्सटेंसेस व्हिच डज नॉट डिस्ट्रक्ट, ध्यान दीजिए, दो सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं वी कांट डिस्ट्रक्ट इट बाय फिजिकली एंड केमिकली मेथड। और सर, केमिकली मेथड को यूज करते हुए या फिजिकली मेथड को यूज करते हुए ऐसे सब्सटेंस को हम जैसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जस्ट उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज वन हैव अ, इसी को एलिमेंट बोला जाता है। देखिए बेटा, और एक बार मैं रिपीट करता हूँ यहाँ पे, दोज सब्सटेंसेस डज नॉट डिस्ट्रक्ट बाय यूजिंग द फिजिकल एंड केमिकल मेथड। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा यहाँ पे लिख दिया है, दो सब्सटेंस डज नॉट डिस्ट्रक्ट, डिस्ट्रक्ट यानी कि हमें उसको तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने नाइन्थ क्लास में तुम्हें बताया था, एक मैंने पेपर लिया था और उस पेपर को मैंने यहाँ पे जैसे कि हाथ में लेकर उसको जैसे कट करते रहा, और उसको कट करते रहा कब तक कट करते रहा, जब तक वो इतना छोटा छोटा बन जाए कि जैसे उसे मैं फिर बाद में कट ही नहीं कर सकता था, तो इतना वो छोटा बना। ठीक है बेटा, तो देखिए बेटा, तो वो क्या बना, जैसे कट उसे नहीं कर सकता, दैट्स इट्स अ प्योर वन। तो क्या होता है वो बेटा, वो प्योर है, यस वन है, उससे देखिए एक एटम है वहां पे। अभी उसी को लेकर जैसे पूरा पेपर हम यहाँ पे अभी जैसे कि वो जैसे कि कॉम्बिनेशन ग्रुप में जैसे हमें पेपर मिलता था, तो पेपर ये जो है तो उसका जो बेसिक यूनिट होता है एक एटम होता है वहां पे, कोई भी सब्सटेंस का एक बेसिक यूनिट होता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एटम। It's okay, that is one have a smallest particle of element. ऐसे यहाँ पे उसे हम वहां पे लर्न किया था। तो एक्चुअली देखते बेटा यहाँ पे, तो जो सब्सटेंस होते हैं ये वाले, देखिए बेटा, इस सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ऐसे सब्सटेंस को हम ब्रोक नहीं कर सकते, उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते इनटू द सिंपलर सब्सटेंस, सिंपलर सब्सटेंस ऐसे छोटे 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 टुकड़े में, तादाद में हमें उसे अलग नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, बाय यूजिंग द केमिकल मेथड, दैट इज अ केमिकल मीन्स जैसे कि हम केमिकल प्रोसेस को लेकर उसे ब्रेक नहीं कर सकते या ब्रोकन नहीं कर सकते। यस, एंड एलिमेंट इज ए कंपोज्ड ऑफ एटम, और ये जो एलिमेंट होते हैं ये किसका कंपोजिशन होता है बेटा, दैट्स अ कंपोज्ड ऑफ एटम, एटम से बने वाले होते हैं, एटम से बने वाले होते हैं।
ठीक है ना, हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, और उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होता है बेटा, सेम ही होता है, सेम ही होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा, ईच एटम हैज अ सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन, और सबसे बड़ा क्या बेटा, इसमें जो एटम्स होते हैं इसमें जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या भी कैसी होती है बेटा, उनमें सेम नंबर ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, अभी देखिए, इन इट्स न्यूक्लियस एज वेल एज द अदर एटम ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, समझ में आता है बेटा, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। तो देखिए, इनके लिए जैसे जैसे कि हम कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं, कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एटम, एटम इतना छोटा होते हुए भी उसके कंस्टिट्यूएंट हम यहाँ पे दिखाई देते हैं। जैसे देखिए बेटा, हमने एट में जो लर्न किया था उसके स्ट्रक्चर को लेकर, है ना बेटा, हमें नील बोहर ने बताया था, है ना बेटा, जैसे कि एक्चुअली इसके बाद हमें लॉर्ड रदरफोर्ड ने भी वहां पे स्ट्रक्चर को लेकर वहां पे बताया था, वहां पे हमने एक्सपेरिमेंट भी कैरी ऑन किया था, जैसे कि गोल्ड लिप को लेकर, गोल्ड लिप सोर पत्री, जैसे देखिए बेटा, ऐसे हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए वहां पे लर्न किया था। तो देखिए बेटा, अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है बेटा, तो यहाँ पे अभी क्लासिफिकेशन को देखना है। तो क्लासिफिकेशन देखिए बेटा, ये क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये क्लासिफिकेशन की नेसेसिटी क्यों होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए बेटा, तो क्लासिफिकेशन दैट इज, इस मराठी में हम इसको वर्गीकरण बोल सकते हैं, दैट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इन अ ग्रुप। देखिए बेटा, इसके लिए मैंने यहाँ पे जैसे कि नाइन्थ में तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि कोई भी यहाँ पे जैसे शॉपकीपर हो या कोई स्टेशनरी वाला जैसे शॉपकीपर हो, तो यहाँ पे जैसे हम ग्रोसरी स्टॉल में जाते हैं या स्टेशनरी स्टॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे देखिए बेटा, जो भी कुछ हम वहाँ पे चीज डिमांड करते हैं, हमें नोटबुक चाहिए, पेंसिल चाहिए, रबर चाहिए या शुगर चाहिए, है ना बेटा, या जैगरी चाहिए, जो भी चाहिए जैसे हम डिमांड करते हैं, इस झट से हमें वो चीज अपने सामने हमें मिलती है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि वहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से होता है, दैट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट वहाँ पे होती है और ये पॉसिबल होता है, है ना बेटा। जैसे देखिए बेटा, वो जो ग्रोसरी वाला है या जैसे स्टेशनरी वाला है, वो जो शॉपकीपर, जैसे उन्होंने चीजें ऐसे बिखर कर रख दी है, ठीक है बेटा, उनका कुछ भी क्लासिफिकेशन वहां पे उन्होंने नहीं किया है, या उसको जैसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट वहां पे कुछ भी नहीं है। जैसे हमें वहां पे जाए, वहां पे डिमांड करे, जैसे कोई हमें नोटबुक चाहिए या कोई अभी प्रैक्टिकल बुक हमें चाहिए, जैसे हम वहां पे डिमांड करते हैं, कैन देम पॉसिबल टू इजी टू sort out this particularly or the provide to that particular goods or particularly your demands to that shopkeeper? Yes, not possible there. ये possible नहीं है उनके लिए। क्यों नहीं बेटा? क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ पे कुछ sort out नहीं है, proper classification नहीं है, special वहाँ पे कुछ systematic arrangement नहीं दिखाई देती है, तो ये ऐसा कर नहीं पाता है। अपने घर में भी बेटा ऐसे कुछ चीजें इधर उधर जैसे बिखर जाती है, properly उसको arrange नहीं किया जाता, तो जैसे कि देखिए बेटा, हमें ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी तरह से देखिए बेटा, अभी एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स है अभी हम यहाँ पे हमें लर्न करने के लिए मिलते हैं, तो ये सारे इतनी सारी एलिमेंट, उनकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है बेटा, उतने अलग से जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, उनके एटॉमिक मास को लेकर बहुत सारे, उनके जो हम जैसे जैसे सिस्टमेटिक एक साइंटिफिक व्यू से हम उसको स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, तो लर्न करने के लिए वहां पे हमें प्रॉपरली एलिमेंट को भी क्या करना चाहिए बेटा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना ही चाहिए वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या, कभी कभी हमें ये सब डिफाइन करने के लिए बताया जाएगा क्या, क्योंकि ऐसा बोल नहीं सकते, ऐसे क्वेश्चन क्या बताया आ भी सकता है, इस डिफाइन द क्लासिफिकेशन, ठीक है, अभी तक नहीं आया, लेकिन जैसे हमें मालूम होना चाहिए क्लासिफिकेशन क्या है। तो क्लासिफिकेशन इज नथिंग बट दैट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट इज इन ग्रुप और द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर इज एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया, जस्ट ओके, वी हैव स्पेशली वी हैव अरेंज देयर स्पेशली वी हैव जैसे सिस्टमैटिकली वी हैव डू द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देयर, यस दैट इज अ क्लासिफिकेशन, है ना। अपने नोटबुक देखिए बेटा, हम अपने कबर्ड में कैसे जैसे अलग, जैसे कि मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, जैसे हम उसको कैसे प्रॉपरली अरेंज करते हैं, एंड जैसे प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो इट इज इजी टू जैसे फाइंड आउट दैम, जैसे उसे फाइंड आउट करने में इजी होगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो से उनका तो पढ़ाई में ध्यान ही नहीं होता, जैसे स्कूल से आने के बाद जैसे वो जो उनका जो स्कूल बैग होता है जैसे बाहर से फेंक दिया जाता है, मम्मी उसे अंदर लेती है,
ना बेटा, उनको कुछ मालूम नहीं होता, जैसे सिस्टमेटिक प्रॉपरली अरेंजमेंट उनकी नहीं होती है, क्या उनको किताब या नोटबुक सही समय पे मिल पाती है? नहीं है नहीं बेटा। तो जैसे देखिए बेटा, जो बच्चे सिस्टमेटिक रखते हैं, जैसे अरेंजमेंट प्रॉपरली करते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल होता है, सहज होता है। तो क्लासिफिकेशन है, जैसे इसे बोला जाता है क्लासिफिकेशन, समझ में आ गया बेटा? क्लासिफिकेशन इज अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इन अ ग्रुप, इट्स ओके, और द कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरिया स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली, समझ में आ रहा है? जैसे दुकानदार की ओर जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, देखिए बेटा जैसे 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 यहाँ पे बिस्किट के जो पैकेजेस होते हैं, जैसे अलग जैसे एक साइज के होते हैं, एक एक जैसे कि कंपार्टमेंट रखे जाते हैं, जैसे सो जैसे बॉक्स होते हैं वो एक कंपार्टमेंट रखे जाते हैं, या कोई भी दूसरे जो बॉक्स होते हैं, नहीं बेटा पार्ले जी को लेकर, जैसे ब्रिटानिया को लेकर, मारी जी गोल्ड लेकर, ऐसे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उस वो अलग अलग गुड्स को लेकर, आर्टिकल्स को लेकर वो क्या करता है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट करता है, प्रॉपरली सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करता है वहां पे। आगे बात समझ में, इस क्लासिफिकेशन। तो देखिए बेटा, एक्चुअली अभी हम इस चैप्टर में, देखिए बेटा इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे, तो एलिमेंट्स को लेकर, एलिमेंट्स को लेकर। तो हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा, सही साइंटिफिकली हमें उसको लर्न करना है, ठीक है, उनके प्रॉपर्टीज लर्न करने हैं यहाँ पे एलिमेंट्स को लेकर, उनके एलिमेंट्स से मिलने वाले अलग अलग कंपाउंड्स को लर्न करना है ना बेटा, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, उनसे हमें अलग अलग कंपाउंड्स मिलते हैं, उनको लर्न करना है, उनकी प्रॉपर्टी लर्न करनी है, उनकी केमिकल रिएक्शन लर्न करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये वाले जो जैसे सिस्टमेटिक स्टडी हमें करनी है, तो इनमें हमें कोई दिक्कत या कठिनाई न आए, चलिए बेटा वहां पे कुछ रिजेंबलेंस न बने, इसके लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है बेटा। एक्चुअली देखिए बेटा, अभी हम इस चैप्टर में, देखिए बेटा इस चैप्टर में हमें फोकस करेंगे, देखिए डिटेल तो चलना है, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए बेटा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो इस चैप्टर में हम क्या लर्न करेंगे बेटा, तो पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट की जो पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल में कैसी है, ठीक है बेटा, उनके एटॉमिक नंबर्स कैसे यहाँ पे मिलते हैं, जैसे उनकी प्रॉपर्टी में कैसे चेंज होते हैं, ठीक है बेटा, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हो, ठीक है बेटा, उनके जो मिलने वाले कंपाउंड्स जैसे कैसे मिलते हैं, इनको लेकर हम यहाँ पे लर्न करने वाले हैं, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली देखिए बेटा, तो एलिमेंट यहाँ पे हमें लर्न करना है, एलिमेंट समझ में आ गया ना? तो एलिमेंट क्या है बेटा, तो एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस होता है, जो कि हमें केवल सिंगल एटम से वो बना वाला होता है, वही एलिमेंट होता है। और एलिमेंट को हमने दूसरी तरह से भी डिफाइन किया था कि एलिमेंट इज दोस काइंड ऑफ द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिस्ट्रक्ट बाय इजीली बाय यूजिंग द फिजिकल एंड केमिकल मेथड, ठीक है, उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि वो प्योर फॉर्म में है और वो सिंगल ओनली वन एटम से एटम होता है, ठीक है बेटा, प्योर फॉर्म होता है। तो देखिए, तो एलिमेंट इसको लेकर, देखिए बेटा एलिमेंट को हमने क्लासिफाई भी किया था बेसिकली, जैसे एलिमेंट बेसिकली क्लासिफाई कैसे किए थे बेटा, मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। लेकिन जैसे इनका हम जैसे स्टडी करते रहे, देखिए बेटा एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं या कुछ ये लर्न करने जा रहे हैं यहाँ पे, हम सिस्टमेटिक बेस के ऊपर लर्न कर रहे हैं, साइंटिफिक व्यू को लेकर लर्न कर रहे हैं। तो लर्न करते समय देखिए बेटा, ये जो स्टडी है क्लासिफिकेशन के एलिमेंट को लेकर, एक्चुअली देखिए बेटा ये आज हम कर रहे हैं ऐसा नहीं, इससे पहले भी और एंसेस्टर जो इससे पहले वाले जो साइंटिस्ट है, नियर अबाउट द 1800 सेंचुरी, जैसे 1800 ईयर्स, दैट इज द 18th century में, तो 18th century से ये हम इसको जैसे कि एलिमेंट को लेकर स्टडी कर रहे हैं, उसको लर्न कर रहे हैं यहाँ पे। तो आज जैसे देखिए बेटा, नाउ इन दोस यस वी हैव जैसे इन्वेंटेड द डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड्स, डिफरेंट न्यू काइंड ऑफ द मोर एलिमेंट्स, वी हैव फाइंड इट, वी हैव इन्वेंटेड इट, दैट्स व्हाई इसका इफेक्ट क्या बना बेटा, इसका परिणाम क्या हुआ, अभी इंक्रीजिंग मोर एलिमेंट्स नंबर, एलिमेंट्स के नंबर में यहाँ पे हमें इंक्रीज हुआ, मोर नंबर इस वे ऑफ गेट इट ऑब्टेन इट। देखिए बेटा, अब अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, वहां पे हम देखेंगे एक्चुअली। देखिए तो अभी देखिए यहाँ पे इस स्लाइड में हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे क्या करना है बेटा, हमें रिकॉल करना है जो हमने पढ़ा था, जो हमने लर्न किया था, जैसे ओके उसे हम क्या करेंगे बेटा, वी हैव रिकॉल हियर। एक्चुअली
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, तो देखिए बेटा यहाँ पे पेंसिल को लेकर मैं यहाँ पे तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा, जैसे देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, व्हाट आर द टाइप ऑफ मैटर। चलिए बेटा मैटर, मैटर एक क्या होता है मैटर, ठीक है। तो मैटर देखिए बेटा, अपने आजू बाजू में जो कुछ हमें दिखाई देता है, जैसे कि विजुअलाइज रूप में हो या नॉन विजुअलाइज हो, जैसे वो हमें सेंस के द्वारा पता चलता है, जैसे हम उसको अनुभव कर लेते हैं, अनुभूति होती है, तो ऐसे अपने आजू बाजू में जो कुछ है ये सारा जो दिखाई देता है, ठीक है बेटा, जैसे हम उसे टच कर सकते हैं, जैसे हम महसूस कर सकते हैं, ये सब कौन है बेटा, मैटर है, जैसे द्रव बोला जाता है ना, जैसे कि मराठी में हम बोल सकते हैं इस दृश्य रूपा दिसना रहा किंवा स्पर्श निद्यात होना रहा, आपल्या आजूबाजूला ज्या काही सगळ्या ज्या काही आहेत ऑब्जेक्ट वस्तू, इसी को ही द्रव बोला जाता है, द्रव, ठीक है बेटा। तो एक्चुअली देखिए मैटर, मैटर है ना, तो मैटर क्या है बेटा, इस इन ऑल अराउंड अस, अपने आजू बाजू में जो कुछ है, ऑल अराउंड अस, ठीक है, ये सब कुछ है बेटा मैटर। जैसे हमने हमारे सामने दिखने वाले स्टूडेंट, ये भी मैटर है, पेड़ मैटर है, ठीक है बेटा, जैसे यहाँ पे फ्लाइंग बर्ड्स मैटर है ना बेटा, जैसे छोटी सी तितली, एक छोटी चींटियां भी मैटर बन सकती है, जो हमें दिखाई देता है, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम अनुभव कर सकते हैं, ये पूरे कौन है बेटा, मैटर। तो एक्चुअली ये मैटर को भी हमने यहाँ पे लर्न किया था। तो देखिए बेटा यहाँ पे पूछा क्या है बेटा, टाइप ऑफ मैटर, तो व्हाट इज अ टाइप ऑफ मैटर। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर रिप्रेजेंट किया है, तो उस छोटी पिक्चर में देखिए बेटा मैंने यहाँ पे मैटर के टाइप, जैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका क्लासिफिकेशन देने का प्रयास किया है, नाइन्थ में ये दिया था, हमने लर्न किया था। तो देखिए बेटा मैटर, जैसे कि सेवेंथ में भी हमने लर्न किया था, तो मैटर के क्लासिफिकेशन में देखिए बेटा पहला सॉलिड है, ये देखिए सॉलिड है, अभी इसको डिफाइन करना यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अभी देखिए बेटा हम टेंथ में अभी यहाँ पे डिफाइन सेवेंथ की डेफिनेशन यहाँ पे बताना उचित नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे अभी कंसिडराइज करता हूँ कि तुम्हें ये पता है, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए बेटा क्या, यस रियली, यस आई हैव नोन इट, खुद से पूछिए, ठीक है, और प्रयास कीजिए। देखिए बेटा मैटर है ना, क्योंकि देखिए बेटा इसको लेकर देखिए हमने, जैसे एटम, एटम में अट्रैक्टिंग होता है ना, दैट इज वन हैव अट्रैक्ट विथ ईच अदर, एटम्स अट्रैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है बेटा, और उसमें देखिए बेटा अट्रैक्टिंग फोर्स होता है, ठीक है, और उनमें डिस्टेंस, अट्रैक्टिंग फोर्स एंड डिस्टेंस, देखिए अट्रैक्टिंग फोर्स और डिस्टेंस, इसमें देखिए बेटा अट्रैक्टिंग फोर्स और डिस्टेंस, इसमें देखिए अट्रैक्टिंग फोर्स डिस्टेंस, इसमें देखिए अट्रैक्टिंग फोर्स एंड डिस्टेंस, इसको लेकर हमने देखिए बेटा नाइन्थ में उसके डेफिनेशन भी लर्न किए थे। तो मैटर में देखिए बेटा पहला हमें सॉलिड मिलता है, फिर लिक्विड है, फिर गैस है, फिर यहाँ पे प्लाज्मा है, देखिए बेटा ये प्लाज्मा कंडीशन, और इसके बाद हमें एक दूसरी एक स्टेट मिलती थी, दैट इज अ फिफ्थ स्टेट, दैट इज अ बोस, देखिए बेटा बोस, यस, जैसे देखिए बेटा आइंस्टाइन कंडेंसेट रिएक्शन, जैसे नाइन्थ में ये आइंस्टाइन कंडेंसेट रिएक्शन थे, तो उनमें देखिए बेटा एक बोस टर्म, जो मैटर की अगली स्टेट हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो देखिए बेटा जैसे हम सेवेंथ में हमें लर्न किया था मैटर को लेकर, तो वहाँ पे केवल हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस इतने ही मालूम थे, जैसे हमने नाइन्थ में लर्न किया, तो नाइन्थ में देखिए बेटा हमें मैटर को लेकर जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, और इसके बाद बोस, जैसे कि बोस यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया। तो देखिए बेटा एक शायद हमें यहाँ पे पूछा जा सकता है, जस्ट क्लासिफाई द मैटर, यस ओके, कैटेगरीज ऑफ द मैटर, तो कैटेगरी क्या है मैटर की, दैट इज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑफ द प्लाज्मा, एंड लास्ट स्टेट इज अ, दैट इज अ स्टेट इज अ बोस, यस ओके, आइंस्टाइन कंडेंसेट रिएक्शन के द्वारा वो यहाँ पे हमें बताई थी। एक्चुअली देखिए बेटा यहाँ पे अभी सेकंड क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के टाइप। तो देखिए जैसे बेसिकली एलिमेंट के दो टाइप हमें ज्ञात थे, जैसे कि मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन क्या हुआ बेटा, देखिए जैसे लेटेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, अलग अलग एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हम कैरी ऑन करते हैं, एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किए जाते हैं लेबोरेटरी में, डू द डिफरेंट एक्सपेरिमेंट रिसर्चर्स, एंड इट्स रिजल्ट, इनका रिजल्ट क्या होता है बेटा, यस वी हैव इन्वेंटेड द न्यू कंपाउंड्स, न्यू एलिमेंट्स, तो क्या होगा, यस ऑब्वियसली यस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नंबर, यस वी गेट द मोर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, यहाँ पे एलिमेंट की नंबर यहाँ पे बढ़ रहे हैं,
ठीक है, इनकी तादाद, इनकी संख्या बढ़ती है, और जैसे कम संख्या हो तो हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती, और जैसे संख्या में बढ़ोतरी होगी, जैसे नंबर बिकम मोर, दैट टाइम इट्स समवट कंफ्यूजिंग, समवट रिजेंबलिंग देयर। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, जैसे कि हमने बेसिकली एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया था, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन क्या हुआ बेटा, आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस, यस ओके, वी हैव इन्वेंटेड द न्यू kind of the elements. Abhi dekhi beta, and those elements, they represent the both property of metal and non-metal. Metal and non-metal, ye dono ki property wo represent karne lage. Dekhiye, to ye banana resembling, resembling yani ki confuse ho raha tha. Dekhiye, hame jaise scientific study hum properly nahi kar payenge wahan pe, jaise kyunki hame itna hi pata tha ki metal ko lekar aur non-metal ke metal ko lekar, unki property hame gyan thi, chemical property, unki physical property. लेकिन अभी यहाँ पे हमें एक दूसरा एलिमेंट ऐसे मिले कि वो क्या करने लगे बेटा, मेटल की भी प्रॉपर्टी दर्शाने लगे और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दर्शाने लगे. तो ऐसे एलिमेंट को हमने अलग कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफाई कर किया है. जैसे कि जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, मेटालॉइड, मेटालॉइड, ठीक है बेटा, इन मेटालॉइड्स मिलते हैं. जैसे एक्चुअली बेसिक काइंड्स कितने थे, दो, मेटल और नॉन मेटल, लेकिन आफ्टर द इन्वेंशन के बाद हम यहाँ पे नॉन मेटालॉइड्स जैसे मेटालॉइड्स मिलने लगे, मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स. चलिए, तो ऐसे जो रिजेंबलेंस बनने लगे, जैसे कुछ डिफिकल्टी पढ़ाई में आने लगी, जैसे कि हम साइंटिफिकली वहां पे पढ़ाई नहीं कर पाते, जैसे कि कुछ ऐसे डिफिकल्टी वहां पे क्रिएट होती थी, सम रिजेंबलेंस वहां पे क्रिएट होते थे, उन रिजेंबलेंस को, डिफिकल्टी को, ठीक है बेटा, हमें यहाँ पे सॉल्व करने के लिए क्लासिफिकेशन जरूरी है, क्लासिफिकेशन जरूरी है, ठीक है ना बेटा. तो क्लासिफिकेशन करने के बाद हम प्रॉपर जैसे साइंटिफिकली मेथड इजीली हम उसे लर्न कर सकते हैं, उनके प्रॉपर्टी को लर्न कर सकते हैं, उनके कंपाउंड को लर्न कर सकते हैं, उनके केमिकल रिएक्शन को हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है बेटा. तो देखिए एक्चुअली, तो ये जो एलिमेंट्स थे, देखिए बेटा, अभी हमने ये जैसे कि अवर एंसेस्टर स्टडी, जैसे हमने पहले स्टडी किया वाला था, है ना, 1800s में स्टडी किया था, 1800 ईयर्स एगो. तो आज हम यहाँ पे इस चैप्टर में क्या एलिमेंट्स को लेकर, देखिए बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले, ये भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस यहाँ पे करना चाहूंगा मैं. जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, तो मेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट यहाँ पे अभी हम स्टडी करेंगे, उसमें देखिए बेटा पीरियोडिक टेबल को लेके गुड एलिमेंट्स हमें लर्न करने हैं. जैसे कि यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है, एक्चुअली जीरो जीरो, जैसे कि इनर गैस एलिमेंट है, जीरो ग्रुप एलिमेंट जैसे बोला जाता है उनको. तो ऐसे एलिमेंट को देखिए बेटा, ये कैटेगरीज है ना. तो पहले हमें केवल मेटल और नॉन मेटल, इसमें भी हम जैसे जैसे हमें नॉन मेटल जैसे कि मेटल मिला तो कन्फ्यूज हो चुके. तो देखिए बेटा, तो ऐसे ही कंफ्यूजन को अवॉइड करना है. तो आगे चल के तो बहुत सारे एलिमेंट मिले, देखिए बेटा यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ठीक है बेटा, जीरो इनर गैस एलिमेंट है, जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं उसको. तो ये भी हमें यहाँ पे लर्न करने हैं. यहाँ पे देखिए बेटा एलिमेंट्स के कैसे काइंड्स यहाँ पे बनते जा रहे हैं. तो देखिए, तो जैसे हम लेटेस्ट में स्टडी करते हैं, तो लेटेस्ट में हमें अलग अलग इन्वेंशन मिलते हैं, जैसे नए नए, जैसे इंक्रीज इन नंबर, मोर नंबर ऑफ द एलिमेंट्स हमें यहाँ पे पता चलते हैं, ज्ञात होते हैं. तो उनके नंबर्स में बढ़ने के कारण उनको सिस्टमेटिकली लर्न करने के लिए, जैसे प्रॉपरली साइंटिफिक रूप से हमें लर्न करना है, उनके प्रॉपर्टी लर्न करने हैं, ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी लर्न करने है, केमिकल प्रॉपर्टी लर्न करने है, उनके कंपाउंड्स को लर्न करना है. तो सही ढंग से लर्न करना हो तो वहाँ पे क्लासिफिकेशन वहाँ पे जरूरी है यहाँ पे, ठीक है बेटा. तो देखिए एक्चुअली इसके साथ हम यहाँ से थर्ड क्वेश्चन पूछा है. तो देखिए बेटा, हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन को लेकर उनके सवाल भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और चैप्टर में हमें क्या लर्न करना है ये भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है. तो डिटेल तो चलेंगे हम, लेकिन मैं यहाँ पे वो भी हिंट यहाँ पे दे रहा हूँ आपको, ठीक है बेटा. चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम. देखिए सिंपल ही है ना बेटा, सेवन का भी बच्चा यहाँ पे हमें आंसर कर सकता है. तो देखिए बेटा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम जैसे मैटर, ठीक है बेटा, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कौन है बेटा, यहाँ पे एटम, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है. देखिए बेटा यहाँ पे बताया, एन एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन ओके एलिमेंट इज हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, बल्क एलिमेंट, ठीक है, वो बल्क होता है, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, ठीक है बेटा, सोडियम हो, इसे हम यहाँ पे
जैसे कि हमें एटम्स को लेकर कुछ ऐसे एग्जांपल भी हम लर्न कर सकते हैं। देखिए बेटा, इसके साथ यहाँ पे हमें चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे एग्जांपल दूंगा। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा, आई हैव रिप्रेजेंट हियर द H2, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा, दिस इज O2, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैं N2 ऐसे यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट किया। देखिए अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जैसे कि जैसे H2O, देखिए ये H2O, अभी देखिए बेटा यहाँ पे मैंने लिख दिया NaCl। देखिए ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है। तो देखिए बेटा, ये H2 है, O2 है, N2 है, तो इनमें हमें क्या दिखाई देता है बेटा, सेम नंबर, सेम एटम। अभी यहाँ पे देखिए बेटा, H2 और NaCl मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो यहाँ पे क्या बेटा, डिफरेंट एटम कंपाउंड है, और यहाँ पे सेम एटम कंपाउंड होते हैं, सेम एटम कंपाउंड। और जैसे सेम एटम कंपाउंड लिखिए बेटा, ये मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, ऑल एटम आर सेम। देखिए ये इसमें ऑल एटम आर सेम, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, इसमें एटम्स आर नॉट सेम। यहाँ पे एटम सेम नहीं, डिफरेंट है। जैसे हाइड्रोजन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है, हाइड्रोजन एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है, यहाँ पे सोडियम एक अलग है, क्लोरीन एक अलग है। लेकिन यहाँ पे देखिए बेटा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऐसे मिलते हैं। तो इसी को लेकर जैसे जो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट जैसे कि H2O2 ए वाले। अभी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोले तो कंपाउंड बोले तो H2O NaCl ऐसे, ठीक है। तो देखिए ऐसे कुछ बेसिक सवाल यहाँ पे दिए थे। देखिए बेटा, हमें यहाँ पे थोड़ा सा जैसे अपना ब्रेन यहाँ पे थोड़ा सा टटोलने के लिए, अभी चैप्टर लर्न करने के लिए, हमें रेडी होने के लिए, ऐसे कुछ सवाल यहाँ पे हमने जैसे अपने खुद को यहाँ पे देखिए बेटा, ऐसे सवाल हमने यहाँ पे पूछे है, और खुद ही इसको आंसराइज करने का यहाँ पे हमने प्रयास किया है। सिंपली देखिए बेटा, स्टडी जैसे कि यहाँ पे सेल्फ स्टडी को यहाँ पे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, अभी खुद थोड़ा सा करके जैसे करना है, थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है बेटा, लिखना है, समझ में आता है। तो यहाँ पे अभी जैसे प्रॉपरली हमें देखिए बेटा, फुल्ली सेल्फ फोकस करना है, स्टडी के ऊपर सेल्फ फोकस करना है, समझ में आ रहा है। चलिए अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड के ओर आते हैं। तो देखिए बेटा, अभी नेक्स्ट स्लाइड में, तो देखिए बेटा, मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो स्लाइड अभी यहाँ पे मैं देने जा रहा हूँ, इट्स वेरी IMP। देखिए बेटा, अपने बुक में तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसके ऊपर हमें क्वेश्चन मिलते हैं। तो देखिए बेटा, इक्वेशन कैसे बनते हैं। तो देखिए, थॉमसन, रदरफोर्ड और बोहर, इन्होंने क्या बताया था बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ एटम को लेकर थॉमसन ने क्या बताया था, तो एटॉमिक स्फीयर है और वो पॉजिटिव चार्ज है, एटॉमिक स्फीयर है और पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, तो एटॉमिक स्फीयर है वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बेटा, और उनमें सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये हमें रदरफोर्ड ने बताया था, ठीक है बेटा। और उसका जो मास होता है पूरा जैसे रिसाइड्स इन दी न्यूक्लियस, पूरा न्यूक्लियस में समाविष्ट होता है, है ना। टोटल मास आर इंटीग्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस, टोटल मास इज इंटीग्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस, दैट इज एटम रिसाइड्स द न्यूक्लियस, दैट इज एटम मास, उसका मास, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने हमें बताया था। तो नील बोहर ने हमें क्या बताया था बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज इन द सेंटर कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो सेंटर में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो हमें नील बोहर ने बताया था। तो देखिए बेटा, थॉमसन ने यहाँ पे क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन सर स्पीयर, वो स्पीयर जैसे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम जैसे स्पीयर में है, और लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या बेटा, रैंडमली मूव कर रहे हैं, रैंडमली। ऐसा किसने बताया था हमें यहाँ पे, थॉमसन ने बताया, सर जे थॉमसन, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड ने यहाँ पे क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं अराउंड इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड यहाँ पे रिवॉल्व होते हैं, इन डेफिनेट ऑर्बिट, इतना ही बताया था, लेकिन इसको क्लियर नहीं किया था रदरफोर्ड ने। लेकिन बोहर ने क्या किया बेटा, नील्स बोहर ने क्या किया, जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और रिवॉल्व होते समय उनका एक ऑर्बिटल सेल होते हैं, यस डेफिनेट ऑर्बिट के सेल उनके होते हैं, जैसे कि KLMN, देखिए बेटा KLMN जैसे न्यूक्लियस बीच में होता है, और ऑर्बिटल सेल पहली सेल होती है, जैसे के सेल है, दूसरी सेल एल सेल है, यब सेल है, यन सेल है, तो दो
not attract with these, which as SM को count करते 2n square, 2n square equation जैसे वो भी दिया था उन्होंने, है ना, सेल की कक्षा को लेकर। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, ये थॉमसन ने ऐसे एटम खो सकता है। देखिए बेटा, ये उन्होंने यहाँ पे प्रिडिक्ट किया था, थॉमसन ने प्रिडिक्ट किया वाला एटम, रदरफोर्ड ने प्रिडिक्ट किया वाला एटम, जिसको देखिए बेटा हमने सुवर्ण लीफ जैसे सुवर्ण वर्क को लेकर एक एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन किया था, अल्फा रेज कंटिन्यू बम्बार्डिंग होल लंग्स, वी हैव कैरी द एक्सपेरिमेंट देयर। इसके बाद देखिए बेटा बोर्स मॉडल को लेकर, जैसे ये बोर्स ने बताया वाला मॉडल है एटम को लेकर। तो इसी तरह से देखिए बेटा, अलग अलग यहाँ पे देखिए उनकी प्रिडिक्शन यहाँ पे, लेकिन हमने लॉर्ड रदरफोर्ड को यहाँ पे क्या किया बेटा, उनके जो एटम का जो मॉडल उन्होंने बताया था, तो उसको हम यहाँ पे कंसिडराइज करते हुए देखिए बेटा उसको हम फॉलो करते हैं। नील्स बोहर को, जैसे उनका जो कक्षा सिद्धांत है, यस इट्स वी हैव फॉलो नाउ, अभी हम उसको फॉलो करते हैं। देखिए इससे हमें क्या पता चल रहा है बेटा, जैसे इस साइंस में हम जैसे स्टडी करते हैं तो इन्वेंशंस मिलते हैं, और अलग अलग इन्वेंशन में देखिए बेटा अलग अलग जो बदलाव को लेकर, जैसे जैसे नए नए बदलाव आते हैं हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्चुअली वो बदलाव क्या होते हैं बेटा, वी हैव जैसे कम इन ट्रूथ, जैसे एक्सपेरिमेंटली वो हम वी हैव गेट इन्फरेंस देयर, हमने उसको कंक्लूजन के रूप में लिया वाला होता है, एक्सपेरिमेंट से हमने उसको प्रूव किया वाला होता है, और जैसे प्रूव होते हैं तो उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, थॉमसन ने बताया था पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज इक्वल होता है, जैसे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये थॉमसन ने बताया था। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, ठीक है, ये यहाँ पे रदरफोर्ड ने बताया था। नील बोहर ने हमें क्या बताया था, द ऑर्बिटल्स वेयर टर्म्स एज एनर्जी सेल, दैट इज अ लेबल्ड के एल एम एन, दैट इज अ कक्षा नंबर बोलते हैं इसको, है ना, इससे एन से रिप्रेजेंट किया है, जैसे कि 1 2 3 4, यस दैट इज वन आवर नंबर, यस सेल नंबर देयर, ठीक है बेटा। तो देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं 100%, देखिए बेटा श्योरली इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कंप्लीट द चार्ट, एक चार्ट दिया जाता है, उस चार्ट को हमें कंप्लीट करना होता है, या चार्ट रीअरेंज करने के लिए हमें दिया जाता है। अभी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा ये आईएमपी, इस स्लाइड के हर एक स्लाइड के देखिए बेटा स्क्रीनशॉट लेना है, उसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में इसको हमें उसके नोट्स बनाने हैं, प्रिपेयर करने हैं नोट्स। देखिए बेटा बहुत हमें यहाँ पे एग्जाम पीरियड में इस काम आने वाले हैं, ठीक है बेटा। चलिए इसके साथ अभी अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए अभी हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन, अपना जो अचीवमेंट है अपना इस चैप्टर में, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो क्लासिफिकेशन को अभी देखिए बेटा हम फोकस करेंगे यहाँ पे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन बोले तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है। और क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, देखिए बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इट्स कैरी द 2 marks, यस, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द क्लासिफिकेशन और द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो देखिए बेटा, तो यहाँ पे ऑल द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स यस आर ओनली वन टाइप, कोई भी एटम्स होते हैं, एटम्स जैसे एलिमेंट्स ऑफ एटम होते हैं ना, तो वो ओनली वन टाइप होता है, ओनली वन टाइप होता है, दैट इज अ प्योर फॉर्म होता है, दैट इज अ प्योर फॉर्म। तो देखिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन लर्न करना है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो देखिए बेटा एक क्वेश्चन आ सकता है, प्रोबेबिलिटी इज मोर हियर। तो देखिए द क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, तो क्लासिफिकेशन किस आधार पे करते हैं बेटा, सिमिलैरिटी को लेते हैं प्रायोरिटी। देखिए अपने घर में देखिए बेटा कुछ बर्तन होते हैं, तो जो बर्तन को देखिए बेटा मम्मी अरेंज करती है रैक में, तो देखिए बेटा सिमिलैरिटी पहले वो आधार लेती है, उसको क्राइटेरिया बनाती है, बेसिक क्राइटेरिया बनाती है। देखिए बेटा अपने घर में जो ग्लास होते हैं एक ही रैक में होते हैं ग्लास, सेम साइज ग्लास, ठीक है, उससे बड़े वाले तो वो अलग से वहाँ पे अलग रैक में उसे रखा जाता है। कुछ प्लेट्स होते हैं तो सेम साइज के प्लेट्स अलग से होते हैं, थोड़े बड़े वाले छोटे प्लेट्स अलग से होते हैं, चम्मच होते हैं सेम साइज के चम्मच, थोड़े से बड़े चम्मच अलग, ठीक है बेटा। तो उनको जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये क्या होता है बेटा आसान होता है उनको, मम्मी को जैसे रेफर करने के लिए, जैसे मम्मी को हम डिमांड करते हैं झट से, मम्मी देखिए बेटा मुझे जैसे कि प्लेट चाहिए, तो मम्मी जस्ट विदिन कुछ मिली सेकंड के अंदर हमें वो प्लेट देती है, ठीक है बेटा। कोई भी जैसे हमें यहाँ पे अपने कपड़े चाहिए तो कपड़े भी जैसे सॉर्ट आउट किए होते हैं मम्मी, ठीक है बेटा। जैसे हम सुबह सुबह जल्दी नहाते हैं तो देखिए बेटा अपने ही कपड़े अपने में मिलते हैं, घर में इतने सारे जैसे कि दादा दादी चाची इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन प्रॉपरली देखिए कभी भी वहाँ पे रिजेंबलेंस कन्फ्यूजन होता है क्या, नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्लासिफिकेशन प्रॉपर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होता है, वहाँ पे अरेंजमेंट प्रॉपर होता है। तो एलिमेंट्स को लेकर हमें पढ़ाई में भी ये चीज हमें यहाँ पे देखनी है, इसको यहाँ पे हमें
लर्न करना है। तो देखिए बेटा, तो क्लासिफिकेशन इज डन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, किस आधार पे डन करते हैं यहाँ पे सिमिलैरिटी को लेकर, इट्स ओके, एज वेल एज द प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन यूज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट की यहाँ पे सिस्टमैटिक स्टडी होती है। और इसी को लेकर देखिए, जैसे हमने एलिमेंट को सिस्टमेटिक प्रॉपर अरेंज कर दिया तो क्या होगा बेटा, हम उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे, जैसे उसकी प्रॉपर्टी लर्न कर पाएंगे, उसको जैसे उनके प्रॉपर्टी को लेकर, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी लर्न कर पाएंगे, उनके केमिकल रिएक्शन हम उसको ज्ञात कर पाएंगे, ठीक है बेटा। तो सही तरीके से साइंटिफिक व्यू से हम उसको लर्न कर पाएंगे, ये पॉसिबल कब है, जैसे क्लासिफिकेशन उनको जैसे सही ढंग से या प्रॉपर वहां पे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की हो तो ये पॉसिबल है। चलिए अभी देखिए बेटा, यहाँ पे टुडे, अभी हम देखिए बेटा आज, नाउ इन दोज़ डे,